माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन नकली कुंडली जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकती। भाभी जी, मैंने आपको बताया था ज्योतिष की बात न मानकर शादी करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी भैया भाभी को। उनकी जाने चली गई, छोटा सा बेचारा अमन अकेला पड़ गया। आप ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हो या ना करते हो भाभी जी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ज्योतिषी का पूरा भक्त हूं, इसीलिए मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकता। अमन मेरे भाई का लड़का जरूर है, लेकिन मैंने उसे अपने बड़े लड़के की तरह माना है, और इसकी खुशियों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता भाभी जी, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती। राजना जी, मैं समझती हूँ शादी दो दिलों का रिश्ता है, कुंडली से ज्यादा दिलों का मिलना बहुत जरूरी है, और आप तो जानती है कि अमन और नताशा एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। आपके भाई और भाभी की कुंडली न मिलने की बात आप कह रहे थे, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी और इनके पापा ऋषिकेश जी की कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सारी खुशियां बिखर गई थी। छोटी सी उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए थे, और अब ग्रहों की दिशा और दिशाओं की फेर में मैं अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती राजना जी, नहीं लगा सकती। और भाभी जी, आप तो कहती थी कि आप जैसी बहू चाहती थी उसे बढ़कर है नताशा, तो आज आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया, कैसे बदल गया भाभी जी, कैसे बदल गया? बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कुंडलियों में कितना विश्वास करता हूँ, क्योंकि भैया भाभी, खैर फैसला मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ, तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा होगा। अमन प्लीज, चाचा जी, मैंने आज तक आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, लेकिन बेटे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम अपनी खुशियों को दांव पर लगा दो। मेरी खुशी आपके फैसले में। भाभी जी, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। आप ठीक कहती हैं, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन निभानी पड़ती है यहीं पर, और जो रिश्ता बना ही झूठ की बुनियाद पर हो वो तो निभाने से पहले ही टूट जाता है, और अगर कल कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही ना कि अमन मेरा अपना बेटा नहीं है, इसलिए जानबूझकर मैंने इसकी शादी कराकर एक बहुत बड़ी रिस्क ले ली। लेकिन चाचा जी, बस कुणाल, अब इस मामले में और बात करने की कोई गुंजाइश नहीं, अब हमें यह देखना है कि मेहमानों को क्या जवाब दिया जाए। Excuse me, ladies and gentlemen, मुझे माफ कीजिएगा, शादी की जितनी भी रस्में होनी थी सब हो चुकी है, अब कोई भी रस्म बाकी नहीं बची। I'm sorry, फंक्शन खत्म हो चुका है। माफ कीजिए भाभी जी, शायद ऊपर वाले को ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
बेटे अमन। बेटा, कभी कभी जिंदगी में वही होता है जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करते। जिस हाथ से वो खुशियां देता है उसी हाथ से उसे छीन भी लेता है। जहां वक्त बीतने का पता ही नहीं लग रहा था और कहां अब एक एक पल भारी पड़ रहा है। बदलता गया और हम कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं। अब थोड़ी देर में विदाई की घड़ी आ जाएगी और जहां तीन डोलियां उठने वाली थी अब वहां एक भी नहीं उठेगी। मम्मा मम्मा, मालविका और मैंने तय कर लिया है कि अब हम उस घर में पांव कभी नहीं रखेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अवंतिका ठीक ही कह रही है मामा, हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे जहां हमारी दीदी के लिए कोई जगह नहीं। तुम पागल हो गई हो। ऐसा कहीं होता है कि शादी के बाद लड़की ससुराल में जाए? नहीं मामा, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सपने में नहीं सोचा था मॉम कि नताशा को मना कर देंगे। जिंदगी भर भी ढूंढे मॉम ऐसी लड़की नहीं मिलेगी उन्हें। और क्या गारंटी है कि आज नताशा को मना कर दी और इन दोनों को मना नहीं करेंगे बाद में? मॉम, उस घर ने इस घर के साथ एक रिश्ता तोड़ा है और जब एक रिश्ता टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है मॉम। लेकिन कुना, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इन दोनों का रिश्ता तोड़ दें। रिश्ता तोड़ने का वक्त होता है, फेरे होने से पहले, उसके बाद नहीं कुना। लेकिन उन्होंने तो किसी बात की परवाह नहीं की मम्मा, ना वक्त देखा ना हालात, और सबके सामने हमारा सिर झुका दिया।